सीमा हैदर जी, आपका अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि लोग प्यार में फना हो जाते हैं, लेकिन आपने तो सरहद पार कर ली इस प्यार में, लेकिन अब आपको लग रहा है, एक मन में सवाल आ रहा है, जिस तरह से पूछताछ हो रही है, सारा अटेंशन आपकी तरफ आ गया है, ये सरहद पार आपने क्यों करी? सारा भारत जानता है, पाकिस्तान जानता है कि इनके प्यार में करी है, और एक दिन सबूत मिल जाएगा सबको कि ये सच यही है जो मैं कहती आई हूँ, चिल्लाती आई हूँ शुरू से लेकर, कि ये बने बनी बातें नहीं है, ये सच है जो मैं कह रही हूँ। मोहब्बत में मैं आई हूँ और प्यार में जैसे फना हो जाते हैं, मुझे अगर जान देनी भी पड़ी तो मैं सोचूंगी नहीं सचिन के लिए। लेकिन अभी तो जान देने की बात नहीं है, अभी तो कागज देने की बात है, अभी तो पासपोर्ट देने की बात है, अभी तो बात है कि आप इतना तामझाम, इतना पासपोर्ट, पाकिस्तान से आप यूएई चली जाती हैं, यूएई से नेपाल आती हैं, नेपाल से घूमकर फिर हिंदुस्तान आ जाती हैं, कैसे कर लिया आपने ये सब कुछ सीमा जी? यूएई मतलब दुबई, शारजा। चले ये तो बता दे भैया, शारजा। अच्छा, वो तो सर में वहाँ कोई उतरी नहीं, कोई मैं घूमी नहीं, वहाँ की टिकट हमारे यहाँ से ऐसी मिली, पहली बार जो मेरी शारजा की टिकट थी, एयर अरबिया की टिकट थी, तो पाकिस्तान से सीधा नेपाल के लिए कोई जहाज उड़ता नहीं है, अगर एक मेरे लिए तो कोई जहाज उड़ेगा नहीं, तो ऐसा था कि वहाँ से शारजा से मुझे खटमंडू आना पड़ा पहली बार। दूसरी बार तो फ्लाइट दुबई थी, तो दुबई से मुझे नेपाल से इंडिया आई। लेकिन ये पूरा रूट आपको, ये आपको पूरा रूट समझाया किसने था कि आपको आना कैसे है? मतलब किसने ये जानकारी दी कि आपको पहले शारजा पहुंचना है, शारजा से नेपाल पहुंचना है, फिर आप हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे, ये समझाया किसने पूरा रूट, जानकारी कैसे ली? आजकल के अगर आप booking.com ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें भी अगर आप टिकट देखेंगे ना, तो यही लिखा होगा कि पाकिस्तान टू नेपाल, दुबई टू नेपाल, मतलब कोई भी कहीं से भी आप जहाज की पूछताछ करोगे ना, तो सीधा आपको वहां के लिए कोई भी जहाज नहीं बताएगा, तो इसमें कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और टिकट मुझे सईद फहद अब्बासी ने करके दी, इसमें उनकी, हाँ ये सब करते हैं सर। क्या आपको लगता है सीमा, क्या आपको लगता है कि ये आपको जो जानकारियां मिली और उसके बाद आपकी उम्र को लेकर सवाल है, आप 21 साल की हैं या 27 साल की है, ये कागजात आपको किसने मुहैया कराए और आपके पास इतने पैसे कहां से आए, क्योंकि इन सब फ्लाइट्स के पैसे लगे होंगे? सर मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैंने अपना घर बेचा था, अब तो यूट्यूब में मेरा वो घर भी दिखाया जा रहा है, वाकई मेरा वही घर था एक कमरे वाला। और दूसरी बात सर, मैं पैसे अपने घर बेच के लाई थी, और दूसरी बात कोई आना ये प्लानिंग नहीं था, और रही बात इंडिया आना सीधा, तो मैंने कोशिश करी थी, ऐसा नहीं मैं इंडिया आने की कोशिश करी नहीं, मैं सुबह शाम यही सोचती थी, यही यूट्यूब में देखती थी कि मैं इंडिया कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या क्या चाहिए होगा, सुबह शाम मैं यही देखा करती थी। आपके भाई, मुझे शौक नहीं था यहाँ की जेल में रहने का, पर एटीएस से आपकी पूछताछ हुई है, तो वहाँ पर जो पूछताछ हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आपके जवाबों से सेटिस्फाई नहीं है, जो इंडियन एजेंसीज है। सर मैंने सच सच बोला है, अब बात की एंड तक पहुँचना उनका काम है, जब एंड तक पहुँचेंगे तभी उनको विश्वास होगा, जाहिर सी बात है देश का मसला है, तो ऐसे ही तो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक वो बातों के आखिर तक नहीं पहुँचेंगे तब तक कोई फैसला नहीं होगा, भले ये सही है, ये करना भी चाहिए, क्योंकि वाकई मैं गलत तरीके से आई हूँ, पर मेरा इरादा गलत नहीं है। आप कह रहे हैं गलत तरीके से आई हूँ, लेकिन इरादा गलत नहीं है, लेकिन आपके भाई और एक चाचा, आपके एक भाई और एक चाचा आर्मी में है पाकिस्तान की। जो मेरे चाचा थे वो मेरे पैदा होने से पहले ही थे, मेरे पैदा होने से पहले ही थे भाई सर। और जो मेरे भाई हैं, जब मेरे सचिन की बात हुई, हमारी मोहब्बत चलती थी सचिन, तब मेरे भाई एक मजदूर थे, बिल्कुल मजदूर थे वो, ये अभी 2022 के बिल्कुल एंड में बेचारे लगे हैं, उनसे मेरा कोई संबंध, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं, मैं शादीशुदा थी, अलग थी। आप कह रही हैं आपका भाई से आपका कोई वास्ता नहीं है, 2022 में वो पाकिस्तान की आर्मी में गए, 2023 में आप भारत आ गई, ये बात इतनी सरल नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये रियल लाइफ है। मेरे भाई का कोई शुरू से कोई ये नहीं था कि वो फौज में जाएंगे, वो बेचारे मतलब मजदूरी करते थे, सचिन को पता है, मुझको पता है, वो मजदूरी करते थे कराची शहर में ही, जब मेरे अबू जिंदा थे तो मेरे अबू ने एक एक के हाथ पांव जोड़ के उनको ये जॉब दिलाई थी, मतलब वो इतने बड़े ऑफिसर नहीं है, छोटे से सिपाही हैं, उनकी कोई वहां औकात नहीं है। अभी आप इस बात को पकड़ के बैठे हो,
फिर भी मैं तैयार हूँ, जिस तरह आप कहोगे मैं उस तरह करने को, तो यहाँ का कानून जो कहेगा मैं वो करूंगी। धन्यवाद सर। सीमा 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 जी सीमा सीमा आपको एक सवाल का जवाब देना है। अभी आप अभी 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 आप 2 मिनट और रुकिए, ये सवाल का जवाब आपको देना है। सीमा आप रुकिए रुकिए, सवाल का आपको जवाब देना है। क्या आपको लगता है सीमा, क्योंकि आपने प्यार में 13,000 रुपए की सैलरी है सचिन की, 13,000 रुपए की सैलरी है, आपके 4 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे वो उन बच्चों को, कैसे पालेंगे, आप क्या सोच के आ गई यहाँ पर? 13,000 आपको कम लगते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है 13,000। जो पाकिस्तान में हालात थे ना, 150 रुपए किलो आटा था, वहाँ के हिसाब से यहाँ का जो 13,000 है बहुत ज्यादा है हमारे लिए, हमारे खुश रहने के लिए, खाने पीने से हमारे लिए बहुत है। मैं खुश रहूंगी इनके साथ, मुझे पैसा वैसे की कोई चिंता नहीं है, जितने हैं बहुत है हमारे लिए, बस मुझे घर में रहने दिया जाए। नेपाल नेपाल में आप नेपाल के हिसाब से 13,000 तीन गुना आगे। आप नेपाल के एक होटल में गई और आपने आपसे वहां पर आपके कागज मांगे गए, आपने कागज नहीं दिए और फिर आपने वहां पे एक्स्ट्रा पैसे दिए, क्यों? अगर आप सब कुछ जायज था तो आपके पास पैसे होने, बिल्कुल टका भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, एक टका भी एक्स्ट्रा। भैया सुने, हमारे रिपोर्टर ने जानकारी ली है, उनके साथ फैमिली की तरह हम रहे, मैं सचिन लड़ते थे, वो जो होटल वाले वो मेरे साथ फैमिली की तरह रहे। मैं सचिन ने एक बार लड़ाई करी तो उनके पापा आके हमारे साथ बैठे, जब मैं आ रही थी वापस, हम अलग जा रहे थे होटल से, तो वो अंकल रो रहे थे मेरे लिए कि मेरी बेटी जा रही है, मैं इतना अच्छे से उनके साथ रही, फैमिली की तरह हम रहे, वो वीडियो सब है। और 500 सुबह सुबह वो लेते थे, कभी ना उन्होंने हमसे नाम लिखा, उनको पता था मैं सीमा हूँ, ये सचिन है, पता नहीं क्यों वो होटल वाला खुद को बचाने के लिए किसी चीज के लिए झूठ कह रहा है, पर उनको सब पता था। तो मैं आपको सच्चाई बोलने का मौका दे रहा हूँ, एक मंच दे रहा हूँ बात रखने का, मैं आपको सच्चाई आप अपनी सच्चाई को रखें, मैं आपको मंच दे रहा हूँ। लेकिन 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 सीमा सीमा अभी आप लाइन पे बनी रहिए, क्योंकि सीमा हैदर जी गलत मत बोले।